ईडी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करेगी। इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। उधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पेशी पर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई है और इसके लिए पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। दिल्ली में संसद से सड़क तक कांग्रेस के आक्रामक तेवर दिखेंगे। कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे पर सदन में वॉकआउट करेंगे और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। रांची में भी कांग्रेसी ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देखिए शाहनवाज, नेशनल हेराल्ड केस जिसमें पहले ही राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है और जिस समय राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी उस वक्त भी कांग्रेस के तेवर बहुत आक्रामक नजर आए थे और अब सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है, इसे लेकर कांग्रेस खासी नाराज, एक आक्रोश और प्रदर्शन के मूड में। जी हाँ, रांची के ईडी कार्यालय में मुख्यालय में थोड़ी देर के बाद ये प्रदर्शन होगा जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल होंगे, आलमगीर आलम शामिल होंगे जो बीजेपी के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं वो शामिल होंगे और उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता होंगे। मकसद यही होगा कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उनको कथित रूप से परेशान करने का कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर। और जैसा कि आपने खुद का देखा भी होगा, राहुल गांधी को भी कई कई दिन आना पड़ा ईडी कार्यालय दिल्ली और लंबी लंबी पूछताछ उनसे हुई है। सोनिया गांधी को हालांकि कुछ दिन पहले छूट मिली थी हेल्थ ग्राउंड पर, लेकिन अब आज उनकी पेशी होनी है दिल्ली में और उसी के विरोध में जितने भी राज्य हैं जहां ईडी का मुख्यालय है वहां पर ये प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है और साफ संकेत यही देना चाहती है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने जो प्रतिनिधि है कांग्रेस है उनकी राष्ट्रीय स्तर पर उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है। जी क्या यहाँ झारखंड में भी कांग्रेस की कुछ तैयारी है इस तरह के विरोध प्रदर्शन की शाहनवाज? जी जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे के बाद ये धरना जमेगा ईडी जो मुख्यालय है एयरपोर्ट रोड पर, जहाँ पर सारी गतिविधियाँ हम लोग दिखाते रहे हैं उसी के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तैयारी शुरू नहीं हुई है, मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद ये सब दृश्य जैसे ही दिखेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ने जैसे बताया कि जो कांग्रेस के कई सीनियर मिनिस्टर और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो मुखर हैं जिनको अच्छी स्पीच देनी आती है वो सब दिन भर आज ईडी मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।